स्वागत है आपका हमारे चैनल अहूजाज किचन पर। आज हम बनाएंगे मटर इडली। अगर आप खाने से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मटर इडली की रेसिपी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सूजी, मटर की प्यूरी, ये हमने मटर का पेस्ट बना लिया है, ऑयल, दही, धनिया, कड़ी पत्ते, नमक, राई, इनो, हरी मिर्ची, उड़द की दाल तड़के के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडली के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक बाउल में लेंगे सूजी, ये आप अपने हिसाब से किसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे मटर की प्यूरी और दही और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसे इतना ही पतला करना है। फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और धनिया। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब 10 से 15 मिनट हो जाए तो हम इस पे थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें इनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें इनो इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी इडली अच्छे से फूल जाए। ये हमारा बैटर रेडी है, तो चलिए अब हम इडली मेकर में इडली का बैटर डालेंगे। ये हमने पानी को बॉईल कर लिया है, तो अब इसमें हम डालेंगे इडली और इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। हमारे 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब इसे खोलकर देख लेते हैं। ये हमारी इडली बिल्कुल रेडी है, तो इसे निकाल कर हम सर्व कर सकते हैं। अब हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। उसके लिए हम तेल को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे उड़द की दाल, राई और कड़ी पत्ता। ये हमारी इडली है, तो इस तड़के को हम इडली के ऊपर डाल देंगे। ये हमारी इडली बिल्कुल रेडी है। आप इसे खा सकते हैं सांभर और चटनी के साथ। ऐसी और रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल अहूजाज किचन पर। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपीज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।